मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप फाइव खबरों की। एक बार फिर तेज गर्मी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और बारिश की वजह से ये अब मौसम खुशनुमा हो चुका है। मुंबई और ठाणे में गुरुवार से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई, पालघर, ठाणे में येलो अलर्ट भी जारी किया है और आज शुक्रवार को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने के संकेत भी दिए। मुंबई में दही हंडी के कार्यक्रम के दौरान अलग अलग घटनाओं में कुल 165 गोविंदाओं के घायल होने की जानकारी सामने आई है। गुरुवार को बीएमसी ने जन्माष्टमी के जश्न मनाते समय 35 गोविंदाओं के घायल होने की जानकारी दी थी। मुंबई के एक फ्लैट में 25 साल की ट्रेनी एयर होस्टल की गला रेत कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी विक्रम आठवाल ने लॉकअप के अंदर अपनी पैंट के सहारे जान दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की आगे जांच भी शुरू कर दी। वहीं मुंबई के कुर्ला इलाके के कुरैशी नगर में झोपड़ी में तड़के आज सुबह आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी भी पहुंच गए हैं। आग लगने की वजह से किसी भी तरह की जानी नुकसान नहीं हुई है। हालांकि आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन वहीं आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक प्रदर्शनकारी ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर हल्दी फेंक दी। इसके बाद मौके पर मौजूद समर्थकों ने प्रदर्शनकारी की जमकर पिटाई कर दी। वहां मौजूद पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला और अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। एसटी जमल बजानी 40 पैसे।